देख सकते हो मैंने सेटिंग पे क्लिक किया और खुल गया। देख सकते हो कितना फास्ट हो गया ये आपके सामने बिल्कुल। हेलो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको काफी अच्छी ऐप के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है टेक्साल, और इस ऐप का यूज करके आप डेली 500 to 1000 रुपीज इजिली अर्न कर सकते हो। बस आपको इसमें प्रेडिक्शन करना, प्रेडिक्शन करने के साथ आप इजिली इसमें जीत सकते हो। तो आपको सिंपली मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड करके लॉग इन कर लेना है। उसके बाद गाइस आपको ये वाला प्रेडिक्शन वाला मिलेगा। तो जैसे मैं सिल्वर पे क्लिक करता हूँ और येस पे क्लिक करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे यार काफी सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो मुझे क्या करना है, कोई भी नंबर्स इनमें चूज कर लेने। यहाँ पे आपको 10 नंबर दिखेंगे 0 से 9 तक, तो यार मुझे कोई भी नंबर चूज कर लेना है, जैसे मैं ये वाला नंबर चूज कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं 20 रुपीज डाल देता हूँ, ओके पे सेट कर देता हूँ। तो यार आप जितने भी रुपए डालोगे, अगर आप 10 रुपीज डालोगे तो आप यार 90 रुपीज जीतोगे, अगर आप 100 रुपीज डालोगे तो आप 900 रुपीज जीतोगे। जैसे मैंने 20 डाला और अगर मैं जीत जाता हूँ तो यार मुझे 180 रुपीज मिलेंगे, तो एक काफी अच्छी बात है। और अपने आप विनिंग प्रेडिक्शन बढ़ाने के लिए आप इनका विनिंग लिस्ट भी चेक कर सकते हो, यार कौन कौन से नंबर जीते हैं यहाँ पे। मैं आपको दिखाया था उनकी विनिंग लिस्ट, तो यहाँ पे जाके आप इनकी विनिंग लिस्ट भी चेक कर सकते हो। विनिंग नंबर लिस्ट है यहाँ पे, तो आपको पता लग जाएगा अभी पास्ट में कौन कौन से नंबर जीते हैं सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम में। और साथ में आप इन मनी को आप विड्रॉ भी कर सकते हो इजिली, आप यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हो, आप अपनी मनी को डायरेक्टली बैंक में डाल सकते हो, और सिर्फ यार आपके 200 रुपीज जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे तो आपके बैंक में इजिली ट्रांसफर हो जाएगी। और गाइस टेक्साल एक काफी ट्रस्टेड एप्लीकेशन है और आपको ये जरूर से इस्तेमाल करनी चाहिए अगर आपको प्रेडिक्शन करके जीतना है। तो गाइस आपके यार मेरे पास काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि यार हमारा फोन काफी ज्यादा हैंग कर रहा है, काफी स्लो चल रहा है, हमारा फोन डे टू डे टास्क में भी काफी लैग कर रहा है। तो यार मैंने सोचा इतने सारे कमेंट्स आए रहे हैं तो क्यों ना इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी जाए। और यार आज की वीडियो में मैं आपको 6-7 ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ, और गाइस ये सारे टिप्स जो मैं आपको दूंगा वो सारे प्रैक्टिकल टिप्स होंगे, कोई भी बस फेकी भी बात नहीं होगी, बिल्कुल प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाऊंगा। और अगर आप ये सारी टिप्स फॉलो करते हो तो यार मेरी गारंटी है कि आपके फोन में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, और आपके फोन की जो भी हैंग प्रॉब्लम है, लैग प्रॉब्लम है, वह काफी हद तक फिक्स हो जाएगी। बस यार आपको करना क्या है, इस वीडियो को एंड तक देखना है, और आपको थोड़ी भी नॉलेज मिले इस वीडियो को देख के तो लाइक जरूर से करना, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस हमारे चैनल पे मिलते रहते हैं, सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए यार बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस जितने भी टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ वो हर एक ब्रांड के फोन में वर्क करेगी, चाहे वो रेडमी हो, रियलमी हो, पोको हो, सैमसंग हो, एमआई हो, सारे ब्रांड के फोन में वर्क करेगी, आपको कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। तो गाइस फर्स्ट टिप ये है, आपको मैं बता दूँ आप अपने फोन में काफी सारी एप्स रखते हो और काफी सारी आप गेम्स भी रखते हो, तो आप में से काफी सारे लोग गेमर्स भी होते हैं। और गाइस आप कभी कभार BGMI खेलते हो, पबजी खेलते हो, मतलब BGMI खेलते हो, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हो, या फिर यार बहुत सारी आप गेम्स खेलते हो। तो जैसे आपको पता है BGMI एक बहुत बड़ी गेम है, और साथ में अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी भी खेलते हो तो वो एक बहुत बड़ी गेम है, और आप साथ में फ्री फायर भी खेलते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है आप वन टाइम में यार एक ही गेम रखा करो अपने फोन में, मतलब जो बड़ी गेम्स होती है, मतलब सबवे सर्फ, टेंपल रन, ये सारी तो यार छोटी मोटी गेम है, आप जितनी मर्जी रख सकते हो, मतलब 5-10 गेम रख सकते हो, पर जो बड़ी गेम्स है वो आप एक दो रखा करो, ज्यादा मत रखा करो। जैसे मेरे फोन में सिर्फ BGMI आप देख सकते हो, आप अगर BGMI के साथ कॉल ऑफ ड्यूटी भी रखोगे, साथ में यार यहाँ पे वो भी रखोगे, मतलब फ्री फायर भी रखोगे, और आप सोचोगे कि यार मेरा परफॉर्मेंस अच्छी आए, तो यार आपका फोन जरूर से लैग करेगा ही, क्योंकि यार 3-4 गेम आपका फोन संभाल नहीं सकता। अगर आपके पास एक फ्लैगशिप फोन नहीं है तो 3-4 बड़ी गेम्स एक साथ नहीं संभाल सकता। तो मेरी यही राय रहेगी, सबसे पहली तो आप अपने फोन में सिर्फ एक ही बड़ी गेम रखा करो, आप ज्यादा बहुत सारी गेम एक साथ मत रखा करो, अगर आप जिस गेम को नहीं खेलते तो अनइंस्टॉल कर दिया करो। नेक्स्ट टिप ये है, आप अपनी सेटिंग में जाओ, और सेटिंग में जाने के बाद आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो और यहाँ पे ऐप्स पे क्लिक करो। उसके बाद आप जो यहाँ पे मैनेज ऐप्स पे, मैनेज ऐप्स में जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे आपको करना है शो ऑल ऐप्स। उसके बाद आपको यहाँ पे सॉर्ट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे लिखना है यूज स्टोरेज। जैसे आप इस पे करोगे तो आपको सबसे पहले दिखा देगा कि यार सबसे ज्यादा स्टोरेज कौन से डिवाइस ने यूज करा है, कौन से ऐप ने। तो आप देख सकते हो मेरा BGMI ने 2.42 GB इस्तेमाल करा है, फेसबुक ने 1.3 GB, और यहाँ पे आप देख सकते हो यूट्यूब पे 725 MB। तो यार फेसबुक और यूट्यूब इतना ज्यादा क्यों कर रहे हैं, मतलब स्टोरेज आप देख सकते हो गूगल ने भी 676 MB। तो यार इन सबको आप इजिली हटा सकते हो, आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको दिखाया था यूट्यूब पे यार मैंने कोई वीडियो भी ऑफलाइन डाउनलोड नहीं कर रखी है, आपको मैं दिखाया तो कोई भी वीडियो डाउनलोडेड नहीं है। तो सिंपली क्या करना है, इसके ऐप इन्फो पे जाना है, ऐप इन्फो पे जाने के बाद यहाँ पे क्लियर ऑल डाटा कर देना है। जैसे ही मैं इसका ऑल डाटा क्लियर कर देता हूँ तो 725 MB से ये सिर्फ 247 MB की हो गई है। तो यहाँ से यूट्यूब देखना, अब एक बार अगर मैं रिफ्रेश करूँगा बैक आके तो वापस से यूट्यूब हट जाएगा। तो आप ऐसे ही जो जो ऐप है जो आपकी ज़्यादा स्टोरेज ले रहे हैं, जैसे कि गूगल ऐप है अगर वो आपकी कुछ ज़्यादा स्टोरेज ले रहा है, जैसे 5 GB, 10 GB, जैसे 676 MB है, तो ये तो कम स्टोरेज है। अगर आपकी ज़्यादा स्टोरेज कोई ऐप ले रहा है, जिसकी 10 GB कभी कभार कोई ऐप ले लेता है, तो उसको आप जरूर से क्लियर ऑल डाटा कर दिया
लिया करो तो आपको उससे बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। और इसी से रिलेटेड एक और चीज है, आप दिन भर में यार काफी सारी एप्स यूज करते हो तो यार आपके बहुत सारे कैशे फाइल्स जमा हो जाते हैं, तो आपको सिक्योरिटी ऐप में जाना है और अपना क्लीनर ढूंढना है अगर आप किसी भी ब्रांड का फोन यूज करते हो, तो यार सबसे पहले आपको क्लीनर पे जाके यहाँ पे क्लीन कर देना है। तो देख सकते हो यहाँ पे 649 MB कैशे फाइल्स थे जो कि यार किसी भी यूज के नहीं थे, बस ये फाइल जो है हमारे ऐप यूज करते करते जमा हो जाते हैं, तो इसे हमें क्लीन अप कर देना है ताकि हमारी जो 946 MB है ये भी हमारी स्टोरेज से क्लियर हो जाए। तो उसके बाद आपको एक बार जाना है डीप क्लीन पे। जब डीप क्लीन पे जाओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये काफी सारी मुझे बिग फाइल्स दिखा रहा है। अगर आपको इन बिग फाइल का कोई भी यूज नहीं है तो यार हम इसमें से स्टोरेज में से क्लियर कर सकते हैं, जैसे मुझे इसका कोई भी काम नहीं है। आप देख सकते हो कौन कौन सी फाइल आपकी बहुत ही बड़ी है, और आपको अगर लगे उसका आपको कोई भी काम नहीं है तो आप उसे डिलीट कर दो, तो यार आपकी वो फाइल भी क्लियर हो जाएगी और आपकी स्टोरेज जो है वो बच जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो मेरी दो बिग फाइल का 400 MB का कोई भी काम नहीं था तो यार वो मेरी स्टोरेज जो है वो बच गई। और साथ में यार एक और टिप आपको देना चाहूंगा, यार फोन जब आप ओपन करते हो तो आपको बहुत सारी ऐप मिलती है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, तो ऐसे आप अनइंस्टॉल कर दिया करो अगर आपका यूज ना हो। अगर यूज है तो काफी अच्छी बात है, पर अगर आपका यूज ना हो तो इसे जरूर से अनइंस्टॉल कर दिया करो। और साथ में यार आपको बहुत सारे ऐप मिलते हैं इसके यार, जैसे MI म्यूजिक, और इसे आप कभी भी यूज नहीं करते हो MI म्यूजिक को, और हो गया गेट ऐप, इन सबको आप कभी भी यूज नहीं करते हो। आपको पता है जैसे थीम्स ऐप है तो यार इसे हमें ओपन करना है, और यहाँ पे अनइंस्टॉल अपडेट्स है तो अनइंस्टॉल अपडेट्स पे कर देना है, और यहाँ पे क्लियर ऑल डाटा है और क्लियर ऑल डाटा भी कर देना है। आप जो जो ऐप यूज नहीं करते सबका अनइंस्टॉल अपडेट्स और क्लियर डाटा कर दो, और कहीं पर अगर ऑप्शन आ रहा है फोर्स स्टॉप का तो यार उसमें फोर्स स्टॉप भी आप कर दो। जैसे यार प्ले स्टोर पर आता है फोर्स स्टॉप का, पर हमें इसे नहीं करना है। जो भी आप यूज नहीं करते और वो अनइंस्टॉल भी नहीं हो रही है तो उसे फोर्स स्टॉप कर दो अगर ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा तो उसका क्लियर ऑल डाटा अनइंस्टॉल अपडेट्स भी कर दो। नेक्स्ट स्टेप ये है, आपको पता ही होगा यार हम अपने फोन में काफी सारी फोटोज और वीडियोस क्लिक करते हैं, और साथ में जो हमारे व्हाट्सएप के वो आते हैं फोटोज, GIF और वीडियोस, वो सारे यार सेव होते रहते हैं। और हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना, व्हाट्सएप के कई फोटोज डिलीट करते हैं जो कि यार अनवांटेड फोटोज होते हैं। कोई सुविचार भेज रहा होता है, कोई कुछ भेज रहा होता है, 1000-2000 फोटोज हो जाती है व्हाट्सएप की, और साथ में आप जो भी फोटोज यहाँ पे क्लिक करते हो वो आप कभी 1-2 साल तक डिलीट ही नहीं करते। उससे होता क्या है, हमारी यार यहाँ पे जो स्टोरेज है वो फुल होने लगती है और यहाँ तक वो भर जाती है। तो यार मेरी एक सजेशन रहेगी, व्हाट्सएप वाले फोटोज तो डिलीट कर दिया करो, और जो भी आपकी यूज की फोटो या तो आप एक SD कार्ड यूज करो, SD कार्ड में आप ट्रांसफर कर लिया करो फोटोज, या फिर डायरेक्ट कैमरा में भी सेटिंग में ऑप्शन मिलता है सेव टू SD कार्ड का, आप उसे एनेबल कर दिया करो। या अगर आपके फोन में SD कार्ड का सपोर्ट नहीं है तो आप क्या करा करो, 1-2 महीने में एक बार अपने कंप्यूटर में अपना पूरा बैकअप ले लिया करो, या आपके पास कोई पेन ड्राइव है तो OTG से कनेक्ट करके अपने पेन ड्राइव में सारा डेटा ट्रांसफर कर दिया करो और अपने फोन को क्लियर कर दिया करो फोटोज और वीडियोज से। तो इसमें काफी सारा स्पेस खाली भी होगा और आपका फोन काफी फास्ट भी लगेगा। और एक और आपको सिंपल से टिप देना चाहूंगा, आप जितनी भी ऐप होम स्क्रीन पर रखते हो तो काफी सारे लोग क्या करते हैं, होम स्क्रीन पर 50-30 ऐप्स भर के रखते हैं। तो आप होम स्क्रीन पर जितनी कम ऐप रख सको उतनी कम रखो, जैसे अगर मैं ये सब भी हटा दूं तो यार और अच्छा लगेगा और सही चलेगा हमारा फोन। आपको मैं सही बता रहा हूं, अगर आप होम स्क्रीन पर जितनी कम ऐप रखोगे आपके लिए उतना ही बेनिफिट रहेगा, और अगर आप इन सारी ऐप्स को भी हटा सको तो हटा दो, सिर्फ ये चारों ऐप रखो, इससे और आपका फोन थोड़ा फास्ट चलेगा। नेक्स्ट टिप काफी इंपॉर्टेंट और यूजफुल है, और ये वाली टिप अगर आप यूज करोगे तो आपका फोन आपको इंस्टेंटली बहुत ही फास्ट दिखेगा। तो आपको अबाउट फोन पे जाना है और MIUI वर्जन पे या दूसरे फोन पे आपका जो भी है उस पे आपको क्लिक करना है, और आपको अपना डेवलपर ऑप्शन ओपन कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे 5-6 बार क्लिक करोगे तो आपका जो डेवलपर ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। तो आपको जाना है वापस से एडिशनल सेटिंग्स में, तो देख सकते हो एडिशनल सेटिंग में आपको जाना है और यहाँ पे आपको मिलेगा डेवलपर ऑप्शन। तो आपको डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, थोड़ा ज्यादा ही आपको स्क्रॉल डाउन करना है, हम पूरा नीचे चले जाते हैं और यहाँ पे आपको देखेगा विंडोज एनिमेशन, ट्रांजिशन एनिमेशन और एनिमेशन ड्यूरेशन स्केल। तो आप में से काफी सारे लोग कहोगे इससे कुछ भी नहीं होता है, अगर इससे कुछ नहीं होता तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, अगर मैं इसे 10x पे कर देता हूँ तो देख सकते हो कितना स्लो खुल रहा है। तो यार ये होता है देखो, इससे अगर मैं इसे सब कुछ को 10x पे कर देता हूँ तो कितना ज्यादा स्लो खुल रहा है आप देख ही सकते हो आपकी स्क्रीन पे। तो आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, आपका 1x पे सेट होगा, आपको यहाँ पे एनिमेशन ऑफ कर देना है। देख सकते हो कितना स्लो है क्योंकि मैंने 10x पे कर रखा है, तो आपको एनिमेशन ऑफ कर देना है इसका भी, इन तीनों को आपको एनिमेशन ऑफ कर देना है। तो आप जैसे ही एनिमेशन ऑफ कर दोगे तो आप देखो हमारा फोन कितना फास्ट दिख रहा है, आपको फास्ट पता लग ही रहा होगा कि यार देख सकते हो कितनी स्पीड ये बढ़ गई है एकदम से, जैसे हम खोल रहे हो खुल रहा है, जो भी चीज हम कर रहे हैं वो इंस्टेंट हो रही है। देख सकते हो मैंने सेटिंग पे क्लिक किया और खुल गया, देख सकते हो कितना फास्ट हो गया ये आपके सामने बिल्कुल, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जो भी मैं खोल रहा हूँ इंस्टेंटली खुल रहा है। देख सकते हो जो भी ऐप खोल रहा हूँ वो इंस्टेंटली खुल रहा है और काफी ज्यादा अच्छा है, ये आपके फोन की स्पीड को थोड़ा और बढ़ा देता है। तो आपको जरूर से ये चीज ट्राई करनी चाहिए, बहुत ही यूजफुल है। और नेक्स्ट टिप आती है इससे बाद, ये आता है आपको रिसेंट से, यार जो भी आप अगर आप यूज नहीं करते हो तो आप जरूर से उसे हटा दे करो। देख सकते हो मेरे रिसेंट में कितनी सारी ऐप्स है, तो यार अगर मैं इसे यूज नहीं कर रहा हूं तो इसे जरूर से हटा देना चाहिए, क्योंकि बैकग्राउंड में चलती रहती है और हमारी पावर कंज्यूम करती है। और क्या होता है कि यार पावर
कंज्यूम करने की वजह से हमारा फोन स्लो हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप ये है, आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जाना है मैनेज एप्स एंड डिवाइसेस पे। और यहाँ पे अगर आपको देख रहा होगा तो यार काफी सारे ऐप्स की अपडेट आ रखी है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करके एनेबल ऑटो अपडेट का ऑप्शन यहाँ पे टिक रहता है तो आपको इसे अनटिक कर देना है, क्योंकि बाय इन केस अगर आप यार कोई भी गेम खेल रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो तो उसमें हैंग हो सकता है, बाय इन केस ये ऑटोमेटिक अपडेट होने लग जाए और यार आपका फोन जो है काफी स्लो हो जाएगा, क्योंकि अगर वो बैकग्राउंड में अपडेट का प्रोसेस चल रहा है तो जाहिर सी बात है फोन स्लो होगा ही। तो आपको ऑटो अपडेट को हमेशा बंद रखना है और मैन्युअली जब भी आपका फ्री टाइम मिले, वाईफाई मिले, तो आप पूरे ऐप को एक साथ ही अपडेट कर लो। मैं तो यार ऐसे करता हूँ, आप भी ऐसे ही करा करो। अब मैं आपको एक लास्ट टिप बताता हूँ जो कि यार आप में से काफी सारे लोगों को पता ही होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने सारे टिप्स मेरे फॉलो कर लिए फिर भी आपका फोन फास्ट नहीं हो रहा है तो आपके पास एक ही चीज बचती है, आपको जाना है सेटिंग्स में और यहाँ पे आपको सर्च करना है रीसेट, जो कि मैं सर्च कर रहा हूँ। जैसे आप रीसेट सर्च करोगे तो आपको फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यार यहाँ पे आपको इरेज ऑल डाटा पे क्लिक करना है, मतलब पहले अपना फोन बैकअप कर लेना, सारे फोटोज वीडियोज जो भी चीज है उसे बैकअप करके कंप्यूटर पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड में रख लेना, उसके बाद इरेज ऑल डाटा कर देना, सारी एप्स को हटा देना, तो आपके जो भी अनवांटेड फाइल होंगे, जो भी कैशे फाइल्स होगी, कुछ भी होगी, सबके सब डिलीट हो जाएंगे। तो उसके बाद आप जब भी फोन न्यूली सेटअप करोगे तो आपको करना क्या है, सेटअप करते वक्त यार सारे जो अनवांटेड एप्स है जो भी आते सिस्टम के साथ उसे तो सबसे पहले आप अनइंस्टॉल कर देना, और यार जो भी बाहर की चीज है, जो भी आपको एप्स की जरूरत पड़े तो एक साथ डाउनलोड मत कर लेना। जैसे पेटीएम को आपको जरूरत पड़ा तो तभी डाउनलोड करो, बिना जरूरत के किसी ऐप को डाउनलोड मत कर लेना, तो उससे होगा कि आपकी स्टोरेज भी पूरी खाली हो जाएगी और आपका फोन आपको बहुत ही फास्ट फील होगा। और उसके बाद जाके आप वो सारे टिप्स भी फॉलो कर सकते हो ताकि आपका फोन फास्ट रहे। तो यार ये तो था, अगर आपका फोन कभी फिक्स ना हो तो आपको रीसेट ही करना पड़ता है लास्ट में, ये सबको पता ही होगा। तो यार आज के टिप्स यहीं तक ही थे, आशा करता हूं आपका फोन फास्ट हो जाएगा इन टिप्स से। तो यार मुझे कमेंट करके जरूर से बताना आपको ये टिप्स कैसे लगे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू गाइस हमारी वीडियो देखने के लिए।